लिए चलते हैं। फॉसिल फ्यूल जो कोयले के बड़े जखायर हमारे पास तरपारकर में मौजूद हैं, और इस वक्त सूबे सिंध से पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे सस्ती बिजली हमारे थर के प्रोजेक्ट से फराहम की जा रही है, चाहे गैस हो जिसके 70% रिजर्व सिंध सूबे में हैं और इस मुल्क की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। और अगर क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं तो विंड और सोलर, विंड का कॉरिडोर जिसकी पोटेंशियल 50,000 मेगावाट तक प्रोड्यूस करने की है वो भी सूबे सिंध में मौजूद है, और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स तो हमने ये सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है जिसके जरिए हम कर रहे हैं। इसके चार कंपोनेंट्स हैं। पहले कंपोनेंट में हम 400 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम कर रहे हैं। ये एक कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए हो रहा है। कराची डिस्ट्रिक्ट और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में मांझन में हमने ज़मीन इसके लिए एक्वायर कर ली है और इसकी इस वक्त बिडिंग चल रही है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट हमारा जो 50 मेगावाट का पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स के रूफटॉप सोलर है, इस पे भी काम चल रहा है। इसके चार राउंड्स होने, पहला राउंड जिसमें हमने 34 सरकारी बिल्डिंग्स को 21.7 मेगावाट बिजली सोलराइज किया, ये कंप्लीट हो चुका है। 22 बिल्डिंग्स जिनका 11 मेगावाट, ये हमारा राउंड टू है, इस पे तकरीबन 35 से 40% काम कंप्लीट हो चुका है। और फिर 14 मेगावाट की 51 बिल्डिंग्स और फ्लोटिंग सोलर 4 मेगावाट का, इस पे इस वक्त बिडिंग प्रोसेस जारी है और हम अपनी फिजिबिलिटीज फाइनल कर रहे हैं। तीसरा कंपोनेंट जो आज हम जिसके लिए फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, 2 लाख घरों को सोलर होम रूफटॉप सिस्टम्स देने हैं, और इनकी जो सिलेक्शन है उसमें भी हमने पूरे सिंध में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो 0 से 20 पावर्टी स्कोर कार्ड के लोग हैं उनको सेलेक्ट किया है, और हमने वो कंपनीज जो इस वक्त हमारे साथ सूबे में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट करने जा रही हैं 20 लाख घरों का, जो हमें असिस्ट कर रही हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं को हमने काम दिया है कि ये जो 6,000 से 6,500 के करीब हर डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे उनको आइडेंटिफाई करें ताकि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दिया जाए ये सोलर होम रूफटॉप। चौथी हमारी एक कैपेसिटी बिल्डिंग की भी कंपोनेंट है इसमें, जिसमें हम 300 सोलर टेक्नीशियंस ट्रेन कर रहे हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो कंप्लीट हो चुके हैं। 600 और हम बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ट्रेन कर रहे हैं। हमने सोलर टेस्टिंग लेबोरेटरीज एनईडी यूनिवर्सिटी कराची और मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों में सेटअप कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसके हर कंपोनेंट है। सरकारी बिल्डिंग्स को सोलराइज करना ताकि हम अपना बिजली का बिल कम कर सकें, एक 400 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट, एक दो तीन होंगे लेकिन टोटल 400 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स जिसके जरिए हम सस्ती क्लीन एनर्जी ग्रिड में ऐड कर सकें और इस मुल्क के लोगों को और ख़ास तौर पे सूबे के लोगों को सस्ती बिजली मिले। और ये जो 2 लाख हम सोलर होम्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर भी कुछ हिस्सा लोगों का भी होगा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ओनरशिप हो। मेरे ख्याल है 7 से 10 हज़ार के दरमियान उनकी इन्वेस्टमेंट होगी रुपए की, बाकी हुकूमत सिंध उनको प्रोवाइड करेगी, और इसका पूरा एक मैकेनिज्म रखा है ताकि इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया जाए और इनका इस्तेमाल भी हो, और वो लोगों के ऊपर जो इस वक्त बिजली का बिलों का सख्त बोझ है वो 2 लाख घर मुस्तफीद होंगे सूबे के। ये शुरुआत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, सोलराइज करने के लिए और सस्ती बिजली देने के लिए जो सारे प्रोग्राम्स हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट इस पे तंदही से काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला हम बाकी प्रोग्राम्स को भी जल्द से जल्द, और ये आज मुझे खुशी हो रही है कि सिंध पहला सूबा है जिसने तेजी से काम करते हुए और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे फ्रूशन पे ले आए हैं कि हम इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त जो
हम सिस्टम्स दे रहे हैं उससे एक पंखा, तीन बल्ब और एक बैटरी जो मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए काम आएगी, ये एक सिस्टम हम हर घर में दे रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जो इस वक्त बिजली का बहरान है और बिजली के बिलों का बहरान है, इस स्कीम के बाद सिंध सूबे के 2 लाख घर तो मुस्तफीद होंगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है और आगे जाके हम और इसी किस्म की स्कीम्स कर रहे हैं। और इसके लिए हमने ख़ास तौर पे अपने सूबे की बजट में एक अच्छी खासी ब्लॉक एलोकेशन रखी हुई है 5 अरब रुपए की। और इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल एजेंसी से भी, ग्रीन क्लाइमेट फंड से बात कर रहे हैं, हम बाकी डोनर एजेंसी से बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हम 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन 20 लाख घरों को हम सोलराइज करें ताकि वो गरीब लोग जिनको सैलाब में सब कुछ उनका ख़त्म हो गया था, उनको घर के साथ, छत के साथ साथ बिजली की रिलीफ में मिले। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ एनर्जी डिपार्टमेंट का, हमारे जो पार्टनर्स हैं इसमें मेसर्स बी बॉक्स डी लाइट डिज़ाइन और शेंजन लेमी टेक्नोलॉजी, तीनों का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने तकलीफ की इधर आए हैं। और यही उनसे हिदायत करूँगा कि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हुकूमत सिंध का, और आपकी हमें तआवुन चाहिए कि हम इसको जल्द से जल्द कम्प्लीट करें और इस सूबे के लोगों को हम फ़ायदा दे सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था सिंध में 2 लाख घरों को सोलराइज करेंगे, सूबे के लोगों को सस्ती बिजली देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा काम प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू किया जाएगा, बिजली के बिल्स का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, आगे जाकर इस स्कीम पर मज़ीद काम किया जाएगा। और इस सब में मावन कार जो कंपनीज़ हैं, ब्रिटिश, US और चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ।